अब हम लोग एगो प्रोपेलर ब्लेड बनाई जा। अरे खातिर आपके थर्माकोल का एगो ग्लास लगी, दुगो कार्ड शीट लगी, एगो पाइप लगी और कैची लगी। कैची के जगह पे ब्लेड भी चल सके। थर्माकोल का ग्लास लेके ओकर नीचे का हिस्सा काट लें। अब थर्माकोल के ग्लास के चार बरोबर हिस्सा में सीधा दिशा में काट लें। ये अपने प्रोपेलर का ब्लेड या पंखा भी बन बंक पंखा बनी। अभी ब्लेड बनने के बाद दो गो फुट्टा लें और ओकरे अंदर एगो छोटा छेद मार के दांत खोदे वाला कांडी या कोनो भी दूसर कांडी डाल दें। अब दोनों हिस्सा एक दूसरे से अच्छा से चिपका लें। अब कटल वाली ब्लेड के छोर पे गोंद लगा लें और दोनों हिस्सा के बीच में एक एक चिपका दें। ध्यान दें कि बरोबर हिस्सा से लगे। ध्यान दें कि दोनों फुट्टा के बीच में एक लगा के एक तनी ध्यान से ताकत लगा के दबा दें और ओके सूखे दें। ये अपन पंखा तैयार हवे। अब काड़ी के पाइप के अंदर डाल के रख लें। अब एके आप बाहर लेके जाएं। जैसे ही हल्का फुल्का हवा चली आप देख सकेला कि पंखा घूमे लगेला। आप ई प्रोपेलर या पंखा के एगो घूमत भइल पंखा के नीचे भी रख सके नहीं जा। ओकरे हवा के नीचे ही घूमत भइल दिखेला और काफ़ी तेज घूमेला।